वेलकम फ्रेंड्स। वैसे तो आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देख लिया होगा, है ना, समझ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत बड़ी अपडेट बता दें। जैसा कि आप सभी अभी तक जानते थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A लागू होने की वजह से वहाँ पर बहुत इफेक्टिव प्रभाव था। जी हाँ, अब बहुत कुछ बदल चुका है। क्या क्या बदला है वो हम आपको दिखाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला नंबर तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यानी कि 8वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया भारत का, और लद्दाख भारत का 9वां केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का आदेश पर राष्ट्रपति जी ने मतलब हस्ताक्षर कर दिए हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। अब क्या क्या होगा, अब यह नया होगा। क्या होगा नया, जम्मू कश्मीर में अलग झंडा अलग नहीं रहेगा, मतलब एक झंडा एक एजेंडा। जी हाँ, अभी तक आप लोग जानते थे कि जम्मू कश्मीर में तिरंगे का सम्मान नहीं होता था, वहाँ का एक अलग से झंडा था। जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन नहीं कर सकते थे और जम्मू कश्मीर में आपातकाल वगैरह नहीं लागू हो सकती थी। जम्मू कश्मीर का अपना सारा सिस्टम अलग था। जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष था, स्पेशल था, 5 वर्ष नहीं था, और भी वहाँ की बहुत सारी बातें जो हैं वो भारत से बिल्कुल अलग थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। एक बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में अब हर कोई ज़मीन खरीद सकेगा, हर कोई वहाँ पर रह सकेगा। दिल्ली में जैसे चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी तरह के वहाँ भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहाँ कुछ अलग सिस्टम जो पहले होता था वो सब नहीं होगा। आम जनता भी खरीद सकेगी जम्मू कश्मीर में ज़मीन। अब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान नहीं होगा, अब जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता नहीं होगी। पहले क्या होता था, जो जम्मू कश्मीर में होता था उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती थी और एक भारत की नागरिकता होती थी। विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष नहीं अब बल्कि 5 वर्ष हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति शासन हो सकेगा लागू, आपातकाल भी लागू हो सकेगा, और लद्दाख को बिना विधानसभा के ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये छोटी सी अपडेट थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वैसे आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो अब ये बहुत बड़ा अपडेट बनने वाला है आपके करंट अफेयर, जीके के लिए भी बनने वाला है, देश के लिए भी बनने वाला है, बहुत कुछ बनने वाला है। तो बदल गया है जम्मू एंड कश्मीर। अब याद रखिएगा, भारत में 7 नहीं बल्कि 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं, 7 अभी तक थे, अब 2 और होकर के कुल मिलाकर के 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे भारत में, यानी कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं रह गया, जम्मू कश्मीर जो है अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।